friends. This is the second part of your terminologies lecture. Okay? So the many terminologies we will discuss in this lecture. Okay? So your first terminology is symptoms. Symptoms means देखिए कोई भी जब disease होती है तो disease के कारण क्या होता है patient कुछ feel करता है ठीक है he felt some features he or she felt some features उन जो features patient feel करता है उन features को बोलते हैं symptoms ठीक है symptoms are those features which are features felt by patient जो patient features feel करता है due to disease उन features को बोलते हैं symptoms okay Next is your sign. अब कुछ features ऐसे होते हैं जो कि doctor feel करता है, means doctor check करता है. आपने देखा होगा जब आप doctor के पास जाते हो किसी भी disease में, तो he will check your eyes, tongue, and ठीक है? इस stethoscope से check करता है, and काफी सी चीजें, pulse check करता है. तो वो features जो कि कौन check करता है? Doctor check करता है. वो feel करता है. Those features are called as your signs. Signs क्या है? These are physical signs which are felt by doctor. Okay? So these are called as your signs. और इन दोनों sign और symptoms जो होते हैं, वो मिलके किसी भी disease का क्या बनाते हैं? Clinical features. मतलब कोई भी डिजीज जब हो रही है तो उसके कारण क्या क्या फीचर्स शो हो रहे हैं उन फीचर्स को बोलते हैं क्लिनिकल फीचर्स जिनमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट फील करता है और कुछ साइंस होते हैं जो कि डॉक्टर देखता है ओके नाउ नेक्स्ट अब जब डॉक्टर ने फीचर्स देखे पेशेंट ने भी बताए तो अब डॉक्टर क्या करता है कुछ रिपोर्ट चेकअप करवाता है जैसे ब्लड टेस्ट करवाया यूरिन टेस्ट करवाया एक्सरे सोनोग्राफी तो ये सारी चीजें जो होती है वो किसमें आती है इन्वेस्टिगेशन में ठीक है इन्वेस्टिगेशन क्या डिसीज के डायग्नोसिस में ये क्या करते हैं हेल्प करते हैं मींस डिसीज को पहचानने में ये हेल्प करते हैं ठीक है तो इन्वेस्टिगेशन में आपके क्या आ जाएंगे लैब प्रोसीजर्स जो भी लैब में टेस्ट होते हैं वो सारे आपके क्या हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स ओके नाउ नेक्स्ट वर्ड इज योर डायग्नोसिस डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है डिसीज को पहचानना इन दिस वी रिकॉग्नाइज डिसीज अब डिसीज को कैसे पहचानते हैं पहले पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं मींस साइंस सिम्टम्स एंड साइंस देखते हैं उसके बाद पेशेंट की क्या देखते हैं रिपोर्ट्स देखते हैं और फिर लैब रिपोर्ट्स और क्लिनिकल फीचर्स को ध्यान में रख के जो डिसीज आप पहचानते हैं कैसे पहचानते हैं उसी वर्ड को बोलते हैं डायग्नोसिस डायग्नोसिस मींस क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं इन दिस डायग्नोसिस मींस रिकॉग्निशन ऑफ डिसीज डिसीज को पहचानना किसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल फीचर्स एंड योर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हेल्प ऑफ क्लिनिकल फीचर्स एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ओके एंड योर नेक्स्ट टर्म इज प्रोग्नोसिस देखिए डिजीज पहचान गए ठीक उसके बाद पेशेंट को क्या देते हैं ट्रीटमेंट देते हैं अब एक वो रहता है कि ट्रीटमेंट के बाद डिजीज का आउटकम क्या हो सकता है मींस पेशेंट प्रॉपरली फिर से नॉर्मल हो जाएगा या मींस जो डिसीज के मतलब आफ्टर ट्रीटमेंट उसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे कि पुअर आएंगे कि मॉडरेट आएंगे वो आपका किसमें आ जाता है प्रोग्नोसिस में प्रोग्नोसिस में ये क्या बता रहा है आउटकम ऑफ डिसीज ट्रीटमेंट देने के बाद डिसीज का क्या आउटकम होगा दैट कम्स अंडर योर प्रोग्नोसिस जैसे कुछ डिजीजेस होती हैं जो कि इजली ट्रीटेबल है लेकिन कुछ डिजीजेस लाइक कैंसर्स ठीक है जिनके प्रोग्नोसिस ज्यादातर क्या होते हैं पुअर होते हैं मींस दे कैन नॉट बी ट्रीटेड 100% ठीक है तो उसे बोलते हैं प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस मींस आउटकम ऑफ डिजीज
डिजीज आफ्टर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद डिजीज का क्या आउटकम होगा, दैट इज योर प्रोग्नोसिस। ओके, सो दीज आर सम वर्ड्स वी शुड नो। ओके, दिस विल हेल्प इन योर डे टू डे लाइफ एज वेल एज योर मींस किसी भी डिजीज को पहचानने के लिए, कोई भी पढ़ने के लिए, ये सारे वर्ड्स आप डेली सुनेंगे। जितने भी आप पैथोलॉजी के या मेडिसिन के आगे कोई भी देखेंगे, ये वर्ड्स आपके लिए कॉमन रहेंगे। सो वी शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड।